नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम वीव्स के क्लासिफिकेशन के बारे में सीखेंगे और कुछ वीव्स बनाना भी सीखेंगे। और मैं उन व्यूवर्स को कहना चाहूँगा जिन्होंने लास्ट की दोनों वीडियोस नहीं देखी है, उनके लिए दोनों वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, मैंने FSA की सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट बना दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो के टॉपिक्स हैं, नंबर एक क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, नंबर दो क्लासिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल वेव्स, नंबर तीन क्लासिफिकेशन ऑफ डेरिवेटिव वेव्स, नंबर चार क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन डेरिवेटिव्स और डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिप एंड मैट। तो आते हैं अपने पहले टॉपिक पे, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। वेव जो है दो प्रकार की होती हैं, ए ओरिजिनल वेव, बी डेरिवेटिव वेव्स। ओरिजिनल वेव्स भी जो है दो तरह की होती हैं और डेरिवेटिव वेव्स भी दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? ओरिजिनल वेव्स को सेकेंड नंबर टॉपिक पे कवर करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल वेव। ओरिजिनल वेव्स में प्लेन वेव आती है, ट्विल वेव आती है। इसी तरह से डेरिवेटिव में भी दो तरह की वेव आती हैं, प्लेन डेरिवेटिव, ट्विल डेरिवेटिव। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेरिवेटिव वेव्स, प्लेन डेरिवेटिव, ट्विल डेरिवेटिव। तो प्लेन डेरिवेटिव्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे और ट्विल डेरिवेटिव्स के बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो प्लेन डेरिवेटिव में कौन कौन सी वेव आती हैं? रिब हो गई, दूसरी मैट हो गई। मैट को हम बास्केट नाम से भी जानते हैं, होप सैक के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम यही दो वेव के बारे में देखेंगे, इनका डेफिनेशंस और ये कैसे बनती हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए हम प्लेन वेव बनाकर देखते हैं। ये हमने एक ग्राफ पैड बना लिया है, इसका एरिया है 8x8। 8x8 क्या है? ये पहला वाला 8 है, वो हमारा बता रहा है कितना नंबर ऑफ वार्प्स हैं। तो वार्प हमारा ये देखिए, मैंने बताया था आपको ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ जो धागा होता है वो वार्प कहलाता है और दाएं से बाएं की ओर वेट कहलाता है। तो ये ऊपर से नीचे की ओर, ये हमारा धागा है। तो कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हो गया 8। और ये दाएं से बाएं की ओर धागे जा रहे हैं, ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 ये हो गया, ये हो गया इसका पोजीशन, 8x8 एरिया हो गया। अब ये व्यू बनाने के बाद समझेंगे ये क्या है। हमें डायरेक्शन दिखा दिया है, वार्प ऊपर की ओर जा रहे हैं या वेफ्ट इधर की ओर। तो प्लेन व्यू में जनरली सभी लोग जानते हैं 1 अप 1 डाउन होता है। वो कैसे जानेंगे? यहाँ पर हमने 1 वार्प अप ले लिया है, फिर 1 डाउन रहेगा, फिर 1 अप, फिर 1 डाउन, फिर 1 अप, फिर 1 डाउन। ये एक क्रॉस जो है ये हमारा वार्प को शो कर रहा है और ये जो ब्लैंक है वो वेफ्ट को शो कर रहा है। फिर से एक क्रॉस जो वार्प को शो कर रहा है, फिर से एक ब्लैंक है वो वेफ्ट को शो कर रहा है। इस तरह से 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन। अब इसी तरह इस तरफ लेके चलेंगे, 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन। इसी तरह से पूरी वेव कंप्लीट कर लेंगे। इसमें आपको पूरी व्यू में 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन पूरी व्यू में यही दिख रहा है। तो ये जो हम लास्ट में आपको दिखाए थे, मैं बोला था कि व्यू बन जाएगी उसके बाद दिखाएंगे, 1 अप 1 डाउन मतलब एक वार्प अप रहेगा और दूसरा वार्प डाउन रहेगा, मतलब एक वार्प अप रहेगा एक डाउन रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, एक वार्प अप है दूसरा डाउन है, फिर वार्प अप है, फिर एक वार्प डाउन है।
फिर एक वार्प अप है, फिर डाउन है, फिर वार्प अप है, फिर वार्प डाउन है। तो ये हमारी वेव रेडी हो गई। अब ये क्या है, ये हमने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा था ड्राफ्ट। ये हमारा ड्राफ्ट है और ये हमारा पिक प्लान है। तो ड्राफ्ट कैसे दिखाएंगे, इसमें हमने कितना हील्ड यूज किया है, दो। ये होगी पहली हील्ड, ये दूसरी हील्ड। तो अभी इस वाले में कौन सी हील्ड अप है, ये वाली। तो इसको हम सर्कल से दिखाएंगे। इस वाले में ये वाली हील्ड अप है। इसी तरह से ये हो गया, मतलब ये वाली हील्ड अप होगी उस टाइम पे, ये वाली हील्ड नीचे होगी और पिक का इंसर्शन होगा। फिर अगली पिकिंग में ये वाली हील्ड नीचे रहेगी और ये वाली हील्ड अप रहेगी। फिर तीसरी पिकिंग में ये वाली हील्ड ऊपर रहेगी, ये नीचे रहेगी। इसी तरह सब ये है। पिक प्लान में ये बताना है कि ये वाली पिक के इंसर्शन में कौन सी हील्ड अप थी, ये वाली हील्ड अप थी या ये वाली। तो उसके लिए ये डॉट रख के बताते हैं। पहली पिकिंग में ये वार्प अप है, तो हमारा ये वाली जो है हील्ड ये वाली अप रहेगी। और दूसरी पिकिंग में ये वाली डाउन है, तो इसको छोड़ देंगे। फिर ये वाली अप रहेगी, फिर उसके बाद ये वाली डाउन है, तो इसको छोड़ देंगे। फिर ये वाली अप रहेगी, तो इस पर रख देंगे। फिर ये वाली डाउन रहेगी, इसको नहीं करेंगे। फिर ये वाली अप रहेगी, ये। अब इसी तरह दूसरा ले लीजिए, यहाँ पे डाउन है तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे वार्प अप है तो ये हो गया। इसी तरह से इसको भर लेंगे पूरा। ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। हाँ, तो ये हमारी वेव तैयार हो गई है और ये हमारा ड्राफ्ट। जो कि दिखाता है कि कितनी हील्ड यूज हुई हैं। तो इस वेव को बनाने के लिए हमें कितनी हील्ड यूज हुई हैं, दो। ये H1, ये H2, ये हो गई एक हील्ड H1, ये दूसरी H2। और ये हमारा पिक प्लान, ये हमारा बताएगा कि किस पिक के इंसर्शन में कौन सी हील्ड अप है, कौन सी हील्ड डाउन है। हमारा डेंटिंग ऑर्डर, ये जो वाई शेप में आपको दिख रहा है, ये हमारा डेंटिंग ऑर्डर। एक मिनट, ये वाई शेप में दिख रहा है, ये है डेंटिंग ऑर्डर। ये डेंटिंग ऑर्डर में हमने क्या बताया था कि रीड के डेंट से कितना यार्न पास होगा, उसे डेंटिंग ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना वार्प, कितना यार्न पास हो रहा है, एक दो। एक डेंट से हमारे दो यार्न पास हो रहे हैं, यहाँ भी एक डेंट से दो यार्न पास हो रहे हैं, यहाँ भी एक डेंट से दो यार्न पास हो रहे हैं, एक डेंट से दो यार्न। तो हमारी प्लेन व्यू रेडी हो गई है, व्यू भी रेडी हो गई, ड्राफ्ट भी बन गया और पिक प्लान भी रेडी है, डेंटिंग ऑर्डर भी पता हो गया। तो आशा करता हूँ प्लेन व्यू आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम देखते हैं रिब कैसे बनाते हैं। पहले वार्प रिब देखेंगे, उसके बाद फिर वेफ्ट रिब देखेंगे, फिर लास्ट में मैट देखेंगे, मैट व्यू कैसे बनती है। तो अब हम वार्प रिब की डेफिनेशन देखते हैं और ये व्यू कैसे बनती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ प्लेन व्यू इन वार्प डायरेक्शन, मतलब इस व्यू में प्लेन व्यू को हम वार्प के डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे। अभी हमने प्लेन व्यू में क्या देखा, वन अप वन डाउन, वन अप वन डाउन, वन अप वन डाउन। वार्प डायरेक्शन में भी यही चल रहा था और वेफ्ट डायरेक्शन में भी वन अप वन डाउन ही चल रहा था। तो अभी इस व्यू में क्या करेंगे, हम
वार्प की डायरेक्शन में वार्प का अप डाउन जो है हम बढ़ा सकते हैं। वन अप वन डाउन की जगह पे टू अप टू डाउन, थ्री अप थ्री डाउन, फोर अप फोर डाउन कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वेफ्ट डायरेक्शन में हम वन अप वन डाउन ही रखेंगे। चलिए व्यू बना के देखते हैं। ये हमने व्यू के लिए ग्राफ बना के रखा हुआ है, इसका एरिया है 2x8, 2x8 का। इसमें हम जो है 4 up 4 down बनाने वाले हैं, 4 up 4 down। तो हमें पता है वार्प डायरेक्शन में हमें एक्सटेंड करना है, इसके लिए फोर अप कर दिए, 4 down रहेगा। अब वेफ्ट वे में जाएंगे तो वन अप वन डाउन, यहाँ पे डाउन है तो इसके यहाँ पे अप कर देंगे। ये हमारी व्यू कंप्लीट हो गई। अब हील्ड की पोजीशन दिखाना है, तो हील्ड की पोजीशन हमारी जो प्लेन व्यू में थी, दो हील्ड यूज होंगी, दो हील्ड इसमें भी यूज होंगी। अब आगे आता है पिक प्लान। पिक प्लान में फर्स्ट पिक के इंसर्शन में वार्प अप है, यहाँ पे हम अप दिखाएंगे, दूसरे में भी अप है, तीसरे में भी अप है, चौथे में भी, और ये चारों पिक के इंसर्शन में पहली वाली हील्ड अप है और दूसरी वाली हील्ड डाउन है, और नेक्स्ट चार पिक में पहली वाली हील्ड डाउन है, दूसरी वाली हील्ड अप है। ये हो गया डेंटिंग ऑर्डर, वही है, एक डेंट से दो यान पास करेंगे। तो हमारी वार्प पिक तैयार हो गई। अब इसको थोड़ा ये एरिया जो है बढ़ा करके देखते हैं। यहाँ पे हमने एरिया लिया है 4x8 का, यहाँ भी हम जो है 4 up 4 down ही लेंगे। तो बनाते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा वार्प डायरेक्शन में प्लेन व्यू जो एक्सटेंड हुई है, मतलब प्लेन व्यू में 1 up 1 down रखते थे, यहाँ पे 4 up 4 down है, और वेफ्ट डायरेक्शन में 1 up 1 down, 1 up 1 down ही है। तो अभी इसका हील्ड का पोजीशन देख लेते हैं। पिक प्लान कैसे बनेंगे, पहले चार एंड पे जो है, पहले चार पिक पे वार्प अप है, डेंटिंग ऑर्डर एक डेंट से दो यार्न। तो ये हमारी वार्प ट्रिप कंप्लीट हो गई। अब आगे चलते हैं वेब ट्रिप के बारे में समझते हैं। वेब ट्रिप में क्या है, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ प्लेन व्यू इन वेफ्ट डायरेक्शन। क्या मतलब है, इस व्यू में प्लेन व्यू को जो वेफ्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे। वार्प ट्रिप में हमने क्या देखा कि अप एंड डाउन जो है वार्प डायरेक्शन में बढ़ा रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे अप एंड डाउन को वेफ्ट डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, और वार्प डायरेक्शन में वन अप वन डाउन ही रखेंगे। वेफ्ट डायरेक्शन में 1 up 1 down, 2 up 2 down, 3 up 3 down, 4 up 4 down कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एरिया लिया हुआ है 6x2 का, 6x2। अब यहाँ पे हम 3 up 3 down लेने वाले हैं, क्योंकि ये वेब ट्रिप है, इसके लिए वेब का अप एंड डाउन यहाँ पे दिखाएंगे। तो 3 up 3 down का व्यू बना के रेडी करते हैं। ये वेब की डायरेक्शन में 3 up 3 down, 3 down, 3 up हो गया, और वार्प की डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो 1 up 1 down, 1 up 1 down, 1 up 1 down ही है। तो यहाँ पे हील्ड का पोजीशन देख लेते हैं। पहली पिक के लिए पहली वाली हील्ड अप होगी, दूसरी पिक के लिए दूसरी हील्ड। पिक प्लान और डेंटिंग ऑर्डर
एक दिन से 2000 पास करेंगे। अब थोड़ा इसे बड़ी व्यू बना के देखते हैं। यहाँ पे हमने 6x4 का एरिया लिया हुआ है। यहाँ भी हम 3 up 3 down ही लेने वाले हैं, तो चलिए बनाते हैं। तो हमारी वीव रेडी हो गई। यहाँ पे देखिए व्यू को जो है वेफ्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहे हैं, और वार्प डायरेक्शन में 1 up 1 down ही है। यहाँ पे कोई एक्सटेंशन नहीं किया है। तो चलिए अब हील का पोजीशन देख लेते हैं। प्रिंटिंग ऑर्डर 1 दिन से 2000। तो वेब ट्रिप भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं मैट की तरफ। मैट व्यू कैसे बनती है वो देखते हैं। मैट व्यू में क्या है, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ प्लेन व्यू इन बोथ वार्प एंड वेब डायरेक्शन। मतलब इस व्यू में हम प्लेन व्यू को वार्प और वेब दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे। वार्प ट्रिप में हमने क्या किया, वार्प डायरेक्शन में व्यू को एक्सटेंड किया था, और वेब ट्रिप में हमने क्या किया, वेब डायरेक्शन में एक्सटेंड किया था। अब मैट में क्या करेंगे, दोनों ही डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे। तो चलिए अभी व्यू बना के देखते हैं। ये हमने एक एरिया लिया हुआ है 8x8 का, और यहाँ पे हम व्यू बनाने वाले 4 up 4 down की। तो चलिए दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करके देखते हैं। पहले हमने वार्प डायरेक्शन में 4 up 4 down ले लिया, और वेब डायरेक्शन में चलते हैं 4 up 4 down। इसी तरह से हम ये पूरा एरिया इतना कवर करेंगे। ये हो गया, मतलब वार्प में भी हमने 4 up 4 down, तो वेब में भी 4 up 4 down लिया हुआ। 4 up 4 down 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 4 up 4 down। अब जहाँ पे डाउन है उसके अगेंस्ट में अप करेंगे। यहाँ डाउन है तो यहाँ पे अप, यहाँ पे डाउन है तो ये अप हो जाएगा। ये हमारी मैट व्यू रेडी हो गई है। यहाँ पे हम देखते हैं वार्प डायरेक्शन में भी व्यू को एक्सटेंड किया गया है, और वेब डायरेक्शन में भी व्यू को एक्सटेंड किया गया है। अब इसका ड्राफ्ट देखते हैं। इसका पेज प्लान और डेंटिंग ऑर्डर वही 1 दिन से 2 yarn पास करेंगे। तो हमारी मैट व्यू भी रेडी हो गई है। तो अभी आपने सभी व्यू देख ली, प्लेन व्यू, वार्प ट्रिप, वेब ट्रिप और मैट। अब ट्विल के डेरिवेटिव्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। धन्यवाद।